भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो प्रचंड प्रदर्शन निकाला जा रहा है, एक अलग तरीके का प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री आवास यहाँ बनाया गया है, अगर बात की है तो केजरीवाल उसके अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तिहाड़ जेल बनाई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय आशीष हांडा सर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे संजय सिंह से, क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं जब से सिसोदिया अंदर गए हैं। कल उन्होंने कहा है कि एक सेंटर में एक बिल पास करे बीजेपी कि जो मुर्दे हैं उनसे पूछताछ करने की इजाजत ईडी सीबीआई को दी जाए, कैसे क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये राजनीति की नई गिरावट है कि जहां पे मुर्दों को घसीटने का भी वो प्रयास कर रहे हैं, जब जिंदा लोग से बुलवाने की ताकत ईडी में है। और अगर ईडी सीबीआई चाहे तो मुर्दों के भी मुंह खुलवा दे, लेकिन यहाँ पे तो ये जिंदा लोग हैं और ये खुद ब खुद बोलेंगे। क्योंकि जिंदगी में हमेशा याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक होती है जानना, एक होता है मानना। जब कोई आदमी गलत काम करता है ना, तो वो जानता है उसने गलत काम किया है। यहाँ पे ये सब भी जानते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या खुद केजरीवाल हो, वो जानते हैं उन्होंने गलत काम किया है, लेकिन वो मानेंगे नहीं कि उन्होंने गलत काम किया है। क्योंकि लोग तब नहीं बदलते जब उन्हें बदलने को कहा जाता है, लोग तब बदलते हैं जब उनके पास बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। इनके पास भी जब कोई चारा नहीं बचेगा ना, तो ये भी सब सच्चाई बोलेंगे, एक एक करके सच्चाई का धागा खुलेगा। और जल घोटाले से लेके जासूसी कांड से लेके शराब घोटाले से लेके स्कूलों के घोटाले से लेके एक एक घोटाला अब जनता के सामने उजागर होगा, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई लोगों के सामने आएगी। और एक एक करके ये सारे तिहार के अंदर जाके वहीं से अपनी कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, इसमें हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों को कब्रिस्तान में दफना दिया गया है उनकी हड्डियां निकाल करके सीबीआई उनसे पूछताछ करे। कर सकती है ना, डीएनए मैपिंग क्या होती है, कितनी बार लोगों के मरने के बाद भी उनके डीएनए मैपिंग करने के लिए हड्डियां निकाली जाती हैं, मांस के टुकड़े लिए जाते हैं। तो ये डरता कौन है? मैं एक बात बोलता हूँ, जिस आदमी को कहते हैं ना साँच को आँच नहीं, जिसको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो डरेगा क्यों? डरेगा कौन? जिसको पता है कि मैं आज नहीं तो कल, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ये जेल की चक्की पीसने जाएगी ही जाएगी। इसलिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने गलत किया है। वरना जिसको न्यायालय पे इतबार हो वो कहे जी निष्पक्ष जांच न्यायालय से करवा लो, मुझे क्या चिंता है। लेकिन यहाँ पे उनको हर चीज में डर है, ना उन्हें न्यायालय पे विश्वास है, ना ईडी पे, ना सीबीआई पे। वरना खुद सोच के देखिएगा, वो जो बोलते हैं इतनी अच्छी हमारी शराब नीति थी, 24 घंटे में वापस क्यों लेते? मनीष सिसोदिया 7 सिम क्यों बदलते? 170 सिम इस केस में क्यों बदले जाते, डिस्ट्रॉय किए जाते? ऑलरेडी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई केसेस कर चुकी है 120 और 470 में, 164 में उनके ऊपर गवाही मजिस्ट्रेट के सामने भी एक उसने गवर्नमेंट सर्वेंट ने दे दी है, और अब ईडी के भी शिकंजे में आ गए हैं। और ईडी के शिकंजे में भी किसमें आए हैं? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं है, बड़े स्ट्रिंजेंट लॉ हैं। और ये जो बोलते हैं ना हमारे ऊपर विक्टिमाइजेशन की जा रही है, सब बकवास है सर। इतनी बड़ी बड़ी जब एजेंसीज है ना, और इतने बड़े आदमी पे हाथ डाल रही है ना, तो जब तक वाटरटाइट केस ना हो तब तक वो ऐसा दुस्साहस करेंगी नहीं। उनको भी तो कोर्ट के आगे आंसरेबल होना होता है, ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन करके अपने आप को बचाने का गलत और विफल प्रयास करते हैं। नहीं, जो मैंने आपसे किया एक उसी पे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, अपनी स्टेटमेंट को इसको आगे बढ़ाते हुए लास्ट में संजय सिंह ने कहा कि अगर वो हड्डियां भी मतलब यहाँ पर सच ना बोले तो सीबीआई को छूट दे दे मोदी जी कि जाके यमराज से पूछताछ करो। मतलब आप ये देखिएगा ना, उनकी अनैतिक सोच देखिए, मृत से लेके हड्डियों से लेके यमराज से लेके वो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, वो काम की बात का जवाब नहीं देंगे कि क्यों मोबाइल बदले गए, घोटाला क्यों हुआ, क्यों 5% से 12% का प्रॉफिट किया गया, जो रेवेन्यू 400 करोड़ था वो 6 गुना बढ़ा के 2400 करोड़ तक क्यों लेके जाया गया, क्यों 32 के 32 जोन के अंदर सबके अंदर अतिरिक्त शराब के ठेके खोले गए, क्यों जो 60% गवर्नमेंट की और 40% प्राइवेट की शराब के ठेके होते थे 100% प्राइवेट क्यों किया गया, ये सब नहीं बोलेंगे। लाइसेंसिंग फीस L1 की 25 लाख से बढ़ा के 5 करोड़ तक क्यों की गई, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारा का सारा जो नेक्सस है, घोटाला है, वो सारा का सारा एक मास्टरमाइंड द्वारा रचित है, और वो मास्टरमाइंड खुद रेवेन्यू ऑफिसर रह चुका है, उसको पता है पैसों की काला कांडी किधर से किधर घुमानी है। इसीलिए ये पूरा का पूरा एक गेम प्लान, एक षड्यंत्र था कि दिल्ली की जनता का हार्ड एंड पैसा, टैक्स पेयर का पैसा ले लिया जाए और उसको गोवा में,
पंजाब में इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए, ये पूरा नेक्सस अब बेनकाब होता चला जा रहा है और एक एक करके आपके सभी नेता जेल में पहुंचते चले जा रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली वालों को और देश के निवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई कि एक और भ्रष्टाचारी अब कम होने के कगार पे खड़ा है। और कोई चिंता की बात नहीं, ये सब प्यादे हैं, इन कठपुतलियों की असली जो डोर है वो जिस मास्टर पिन के हाथ में है वो केजरीवाल है, और आज नहीं तो कल केजरीवाल भी इनका साथ देने के लिए जरूर तिहाड़ जाएंगे, इसमें हम में से किसी को कोई शक नहीं है। एक तरफ आतिशी मार लेना शपथ लेती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि जैसे भगवान राम वनवास गए खड़ाऊं दी उन्होंने कि जो है राज्य चलता रहे भारत को, तो ये दोनों अंदर हैं और हम जो है इनका कार्यभार संभालते हुए दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। बराबर है, देखो ये तो शुरू से अपने आप को विक्टिमाइज करने का प्रयास करते हैं, जब वो सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन करने भी जाते देते हैं ना तो ताम लाम लश्कर के साथ जाते हैं, पीछे गाने चल रहे होते हैं, तेरा रंग दे बसंती चोला तेरा रंग दे, यानी वो खुद को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की तरह अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं, इस तरह तुलना अपनी भगवान राम से और भगवान भरत से। अभी उसके बाद जब उससे भी उनका पेट ना भरा तो छोटे छोटे बच्चों से लेटर लिखवाने लगे, जब उससे भी पेट ना भरा तो भगवान राम और जाने ये हमारे आराध्य को भी अपमानित करने का इन्होंने काम किया है, जब अपने आप को वो उनसे मिलाते हैं, इनको मिलाना है तो अपने आप को रावण से दुशासन से इन लोगों से मिलाएं तो ज्यादा उचित होगा, बजाय इसके कि हमारे आराध्य को अपने से मिलाने का ये दुस्साहस करें। और भारत की जनता देख रही है, वो लोग जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, वो लोग जो राम मंदिर ना बने के लिए वकीलों को खड़ा करते थे, वो लोग जो इच्छाधारी जनेऊधारियों के साथ खड़े हो जाते हैं जरूरत पड़ने पे, ऐसे लोग आज राम के साथ और भरत के साथ खुद को मिला रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आराध्य के साथ और हिंदुओं की भावना के साथ खेलने का, इतना ही इनको भगवान राम से प्यार है तो इतना ही इनको इस चीज से, तो इनका ही वक्तव्य था ना कि भगवान राम का मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इतने में तो कितने अस्पताल बन जाएं, कितने स्कूल बन जाएं, ये किसका वक्तव्य था। आप बताइए क्या आज इनके राज्य में जहां पे हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, जहां मौलवियों को पैसा मिलता है, मस्जिदों में पैसा मिलता है, वहां मंदिरों के पुजारियों को पैसा क्यों नहीं मिलता। इनको सिर्फ और सिर्फ मौके की राजनीति करनी है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी ये करेंसी पे गणेश बनवाने का भी सुझाव दे सकते हैं और कभी ये राम से खुद की तुलना कर सकते हैं। इनको सिर्फ अपनी जान बचानी है, लेकिन अब इनकी जान बचने वाली नहीं है, क्योंकि इतना वाटरप्रूफ केस इस समय सीबीआई ने तैयार किया है और ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पीएमएलए में केस किया है, ये अब बचेंगे नहीं। पीएमएलए के तहत सतेंद्र जैन भी अंदर है सर, इसीलिए तो उनकी आज तक बेल भी नहीं हुई है, ये उनको चाहे जो मर्जी कह लें। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें अदालत पे पूरा विश्वास है, दूसरी तरफ अदालत में ये लांछन लगाते हैं कि आप बिके हुए हो, मीडिया बिका हुआ है, इनको किसी पे इतबार नहीं है। और आप यकीन कीजिएगा, मनीष सिसोदिया भी ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं, पीएमएलए एक्ट के अंडर आ चुके हैं, वो भी जल्दी से बाहर आने वाले नहीं है, और उन्हें पता है, उन्हें अच्छे से पता है कि अगर मनीष सिसोदिया अंदर गया तो केजरीवाल के राज भी राज नहीं रहने पाएंगे, इसीलिए उनके खेमे में खलबली है।